नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। श्री हनुमान जी अपने भक्तों को सभी सुखों को प्रदान ही नहीं करते, बल्कि उसकी स्वयं रक्षा भी करते हैं, चाहे वो सुख हमारा किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। इसको आप लौकिक सुखों से भी जोड़कर देख सकते हैं या फिर आध्यात्मिक उन्नति से भी जोड़कर देख सकते हैं। जिस भी स्तर पर आप हैं, जो कुछ भी आपको प्राप्त है, सबकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। पहले वो प्रदान करते हैं और फिर उसकी रक्षा भी करते हैं। एक जो प्रश्न अक्सर सुनने को मिलता है कि हनुमान जी की पूजा हम जो करते हैं वो सबसे सुलभ क्या है, सबसे आसान विधि जिससे कि हनुमान जी हमें प्राप्त हो सके, हनुमान जी की कृपा के हम पात्र बन सके और हनुमान जी हम पर कृपा कर दें, तो सबसे सुलभ और सबसे आसान क्या है? यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो निरंतर हनुमान जी का जप करता है उसको हनुमान जी सुलभ हो जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्यशः, यानी जो मेरा निरंतर चिंतन करते हुए भक्ति करता है, निरंतर चिंतन करते हुए भक्ति करता है, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। यानी सबसे सहज यही है, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सबका एक विशेष फल तो है, लेकिन सबसे सुलभ की अगर बात की जाए तो यही है कि निरंतर जप किया जाए। अब निरंतर जप का तात्पर्य क्या है? जपत निरंतर हनुमत बीरा का तात्पर्य क्या है? क्या सब कुछ छोड़कर हम जप में बैठ जाएं, जो भी हमारा निर्धारित कार्य है उसको छोड़ दिया जाए और उसके बाद हनुमान जी का दिन भर जप किया जाए, तो क्या इससे सुलभ हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसका उत्तर ये है कि दो प्रकार की भक्ति की बात की जाती है, वृत्ति की बात की जाती है। एक है अनन्य वृत्ति, जिसे हम अनन्य भक्ति भी कह सकते हैं। दूसरा है मुख्य वृत्ति। जो मुख्य वृत्ति हमारा है और उसके साथ ही हनुमान जी को हम कैसे प्राप्त कर लें, हनुमान जी कृपा हमें कैसे मिल सकती है? तो यहाँ दत्तात्रेय जी महाराज जो हैं, जो बहुत बड़े संत हुए, ईश्वर के अवतार ही कहे जाते हैं, उनका कहना है कि हमने मुख्य वृत्ति को अपनाया ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और ये हमने एक बाण बनाने वाले से सीखा। जो लोग बाण का निर्माण करते हैं, धनुष बाण जो व्यक्ति बनाते हैं, तो वहाँ एक व्यक्ति बाण बना रहा था और वहाँ के राजा की सेना, पूरी राजा की सेना वहाँ उसके सामने से निकल गई, उसके पास से, उसके बगल से, लेकिन उसका ध्यान भटका नहीं, बिल्कुल अपने कार्य में वो लगा रहा, स्थिर होकर के बाण बनाने में वो संलग्न रहा, कहीं भी उसके वृत्ति, कहीं भी उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम जो भी कार्य करते हैं, कार्य वह चलता रहे लेकिन हमारा ध्यान जब एक जगह आकर टिक जाए, स्थिर हो जाए, हनुमान जी में लग जाए, तो ये मुख्य वृत्ति है। और एक अनन्य वृत्ति है कि जहाँ हम सब कुछ छोड़ करके, जो ध्रुव की भक्ति है कि सब कुछ छोड़ करके हम हनुमान जी की शरण में बैठ गए हैं, उन्हीं का जप कर रहे हैं और उसके बाद हनुमान जी हमारे सभी कार्यों का संपादन स्वयं कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है भक्तों के साथ। लेकिन व्यवहारिक में देखें, इस व्यवहार में देखें, जिस संसार में हम रहते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्य वृत्ति को ही अपनाया जाए। जो भी हमारा निर्धारित कार्य है उसको हम करते हुए हनुमान जी का स्मरण बनाए रखें, तो ये सबसे सुलभ है। और इसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मन में बातें मेरी ही चलती रहे, उसके जो कान है वो मेरे ही गुणगान को सुनने के लिए ललायित रहें, नेत्र जो है मेरे ही दर्शन को उत्सुक रहें, उसके जो हाथ है मेरे ही चरण को पकड़ने के लिए आतुर रहें, ऐसे भक्त को मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ, बहुत सुलभ, बहुत आसानी से मिल जाता हूँ। तो हनुमान जी तो बहुत सुलभ तरीके से प्राप्त हो जाते हैं अगर निरंतर हमारे मन में उनका जप चिंतन चलता रहे। इसमें बाह्य जगत में आपको वह भक्त बहुत बड़ा अनुष्ठान या कर्मकांड करता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन हर क्षण उसका जो समर्पण है वो हनुमान जी के प्रति है और हनुमान जी उसको सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या भक्ति और विश्वास के बिना अगर हम पूजा करें तो क्या वो फलित नहीं होगा? क्योंकि हर चीज़ का अपना एक सिद्धांत है। जैसे हम जहर खा लें, तो चाहे जहर हम विश्वास से खाएं, चाहे विश्वास ना भी हो, खाएंगे तो अपना असर दिखाएगा, वो मार डालेगा, तो ये उसका तो स्वभाव है। जैसे कि ऋषि वाल्मीकि, जो पहले डाकू थे और राम कहने उन्हें नहीं आता था, तो मरा मरा ये कहना उन्होंने शुरू कर दिया और उन्हें भी भक्ति की प्राप्ति हो गई, तो फिर क्यों कहा जाता है कि भक्ति और विश्वास की आवश्यकता है?
जिस चीज का जो स्वभाव है, जैसे अग्नि का स्वभाव है, आप श्रद्धा विश्वास से उसको आप छुएं या फिर ऐसे ही छू लें, उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, वो आपको जलाएगा ही। तो बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ तक तो बिल्कुल सत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि अगर आप भाव से जप करें या कुभाव से जप करें, आलस्य से जपें या प्रमाद से जपें, नाम जप में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि वो सब आपको दे सकता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, भाव से जपिए या कुभाव से जपिए, नाम का प्रभाव है या जपिए। लेकिन कब? जब आप जप शुरू करते हैं, यानी शुरुआती दिनों की बात है। मरा 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 कहने वाले वाल्मीकि जी भी यह बाद में मरा मरा तक नहीं रुक गए और उन्होंने पूरी रामायण की रचना कर दी। और ये पूरी जो रामायण की रचना है, जिसमें प्रभु श्री राम जी के गुणों का उन्होंने वर्णन किया है और जिसका आधार लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, ये सिर्फ मरा मरा पर नहीं टिक गए, मरा मरा से शुरुआत हुई। आप नाम जप जब शुरू करेंगे, आप भाव से जपिए चाहे कुभाव से जपिए, श्रद्धा के साथ करिए या अश्रद्धा के साथ करिए, विश्वास हो या ना हो, उसका अपना एक प्रभाव है, वो दिखाएगा ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहीं ठहर जाएं, वहीं रुक जाएं। पूरे जीवन में हमारे भाव कभी आए ही नहीं, कभी श्रद्धा पनपे ही नहीं, कभी विश्वास ईश्वर के प्रति हमारा जगे ही नहीं, और जो कुछ भी हम काम करें वो सिर्फ क्रिया मात्र बन करके रह जाए, ऐसा भी नहीं है। मरा मरा कह करके शुरू किया वाल्मीकि जी ने, लेकिन बाद में वो उच्च कोटि के संत हो गए, जिनकी रचना को पढ़ने के बाद करोड़ों लोगों के भीतर एक विश्वास और श्रद्धा का जन्म होता है। इसलिए भगवान श्री राम नवधा भक्ति में स्वयं कहते हैं कि नाम जप मम दृढ़ विश्वासु। जिस नाम को जप करके, गलत नाम को जप करके, मरा मरा कह करके भी वो राम हो गया और वाल्मीकि इतने बड़े संत हो गए, उसी नाम जप के बारे में भगवान राम भी स्वयं कह रहे हैं कि नाम जप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे नाम का जप करने का पुण्य फल मिलेगा। लेकिन कब? जब आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा। तो शुरुआती दिनों के लिए ठीक है कि आप भाव कुभाव से आप नाम जप कीजिए, बिना किसी विश्वास के, बिना किसी श्रद्धा के भी आप नाम जप कीजिए, उसका भी फल आपको समय पा करके मिलेगा। लेकिन अगर आप मनोरथों की सिद्धि चाहते हैं, आप कार्य की सिद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मनोरथ सिद्ध हो जाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, हनुमान जी से आपको कुछ प्राप्त हो जाए, और उसके बाद भी आप एक कुभाव से नाम जपते रहते हैं, अश्रद्धा से जपते रहते हैं, तब तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसके लिए श्रद्धा और विश्वास पहली शर्त है, और यह प्रेम की भी शर्त है। भक्ति विश्वास प्रेम जब तक नहीं होगा, तब तक सिर्फ क्रिया मात्र से कुछ चीज़ें नहीं होने वाली हैं, काम नहीं बनने वाला है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि ईश्वर के पास आप किसी भी भाव से जाएं, आपका कल्याण तो होगा, लेकिन जब कल्याण होना शुरू हो जाएगा तो आप यहीं मत रुकिए, आपके भीतर एक भाव और प्रेम का भी जन्म होगा। इसको इस अर्थ में लेने की आवश्यकता है। इसलिए भाव जो है, भाव हमारे जीवन में बढ़े, ईश्वर से प्रार्थना हमको करते रहना चाहिए। आप लौकिक जीवन में देख लीजिए, हम किसी के भी प्रति अगर सिर्फ बाह्य रूप से एक औपचारिकता भर अगर निभाने के लिए किसी के प्रति हम प्रेम का दर्शन करें, तो सामने वाला भी तो समझ ही जाता है कि प्रेम में गहराई नहीं है, ये खोखलापन है, दिखावा है, एक छल है, सिर्फ दिखाने के लिए यह प्रेम किया जा रहा है, अपना लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है, यह तो लौकिक जीवन में भी सामने वाला समझ जाता है। इसलिए प्रेम जो है यह भक्ति है, यह अनिवार्य शर्त है, और भक्ति की जो पहली शर्त है वो श्रद्धा और विश्वास है। आप किसी भी रूप में शुरू करें, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीते तो श्रद्धा और विश्वास किस प्रकार से बढ़े, इस पर हमारा ध्यान तो होना ही चाहिए, तभी हमारे मनोरथ सिद्ध होंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात कही है कि मैं किस प्रकार से सुलभ हो सकता हूँ, आसानी से भक्तों को प्राप्त हो सकता हूँ, उसका एक ही तरीका है कि निरंतर मेरा चिंतन उस व्यक्ति के हृदय में चलता रहे, तो मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ, मिल जाता हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।